रोहतक में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं इसका अंदाजा रोहतक में रोजाना हो रही वारदातों से लगाया जा सकता है। इसी कड़ी में आज दो युवकों द्वारा बंदूक की नोक पर एक युवक से उसी के घर से बाहर से लूट का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें यह लूट की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मॉडल टाउन निवासी शुभम आर्या ने बताया कि वह 15 अगस्त को अपने दोस्त मन्नू का जन्मदिन मनाने गए हुए थे। जन्मदिन मनाने के बाद वह अपनी कार में सवार होकर घर आ रहा था। इसी दौरान दो मोटरसाइकिल सवारों ने उनका पीछा किया। दोनों युवक बिना नंबर के मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए। उक्त युवकों ने पीछे से कार को साइड पर जानबूझकर टक्कर मार दी। जब पीड़ित ने नीचे उतरकर मोटरसाइकिल सवारों से बात करनी चाही तो आरोपी युवकों ने हाथापाई शुरू कर दी। यहां तक कि उन्होंने पीड़ित पर पिस्तौल भी तान दी और मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। कार छीनने का भी प्रयास किए लेकिन कार चली नहीं। यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शुभम आर्या ने बताया कि एक आरोपी युवक चाकू लिए हुए था। उक्त युवकों से बचने के लिए धक्का मुक्की भी हो गई। वहीं आवाज सुनकर उसका बड़ा भाई आशीष भी घर से बाहर आ गया। इसी दौरान चाकू वाला युवक वहां से भाग गया और दूसरे ने सोने की चेन तोड़ ली। छीना झपटी में आधी सोने की चेन लेकर आरोपी वहां से फरार हो गया, जिसकी शिकायत पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।